हेलो व्यूअर्स, दिस इज अंशु फ्रॉम ए टेक अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डोजिंग टेबल्स। डोजिंग टेबल्स हमारे नन्हे व्यूअर्स के लिए है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेथड मैं आज लेके आई हूँ वो मेथड आपको YouTube, Google, Facebook, Insta कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से हमारे नन्हे व्यूअर्स बहुत ईजिली डोजिंग टेबल्स को कर पाएंगे। मैं आपको एक लाइव डेमो से बताती हूँ कि जो हमारे नन्हे व्यूअर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है और उनके सॉल्यूशन कैसे निकलता है उनका। लेट्स सी। तो मैं आज आप एक नन्ना व्यूअर यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, एक हमारा स्टूडेंट है जिसको हम देखते हैं कि वो कितनी इजीली डोजिंग टेबल कर लेता है और उसको क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। आओ राजा प्लीज। 3 5 15 होता मुझे नहीं आता, अगला करते हैं 8 जा, तो ये नहीं आता 9 10 11 12 13 14 तो ये तो आता ही नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, जाओ अब आप बैठ के देखो कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, देखो मैंने एक नन्ना व्यूअर, एक हमारा स्टूडेंट यहाँ पे बुलाया जिसने, आप देख सकते हैं उसने किन टेबल्स का आंसर इजीली दिया, जिनमें किसका आंसर इजीली नहीं दिया, जिसमें दोनों ही नंबर 5 से ग्रेटर हो गए उसका आंसर उसे नहीं पता चल रहा, जिसमें दोनों नंबर्स 5 से ग्रेटर हो गए। दैट मीन्स अगर मुझे कभी भी 7 2 करना है, बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं 3 5 7 2 8 2 8 3, बट जैसे ही हमारे दोनों नंबर 5 से ऊपर चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारे नन्हे व्यूअर्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, एक स्टोरी है। देखो 1 2 3 4 फोर नंबर्स हैं ये। अब ये एक डांस क्लब में जाते हैं, ठीक है, वहां का एक ऑर्गेनाइजर है, ये ऑर्गेनाइजर है। तो ये ऑर्गेनाइजर कहता है इनको डांस क्लब में जाना है और ये बोलते हैं कि हमें जाने दो। ऑर्गेनाइजर कहता है कि नहीं, पहले आप पेयरिंग करो, अपने कपल बनाओ, एक अपना पार्टनर सेट करो, फिर मैं जाने दूंगा। तो वन सोचता है कि मैं पार्टनर किसको बनाऊं, 2 को 3 को या 4 को। 2 सोचता है मैं पार्टनर किसको बनाऊं, 3 को 4 को या 1 को। ऐसे 3 भी सोचता है मैं पार्टनर किसको बनाऊं, 4 को 1 को या 2 को। अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजर कहता है लेट मी हेल्प यू आउट, आप ऐसे दो नंबर्स आपस में पार्टनर बनो जिनका सम 5 बनता है। मतलब 1 उसको पार्टनर बनाए जिसके साथ ऐड होने पर वो 5 देगा, तो उसने 4 को पार्टनर बना लिया और 4 किसका पार्टनर बन गया, ऑब्वियसली 1 का। ऐसे ही 2 किसका पार्टनर बन गया, 3 का, और 3 किसका पार्टनर बन गया, 2 का। क्या हुआ, 1 का पार्टनर 4, 4 का पार्टनर 1, 2 का पार्टनर 3 और 3 का पार्टनर 2। इतना ही समझना था आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारी प्रॉब्लम ओवर। देखो अब यहाँ पे पार्टनर्स सेट हो गए। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं 9 6। अभी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही थी 9 6 क्या होता है। देखो 9 5 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 4, और 6 5 से कितना बड़ा है 1। इज इट क्लियर, 9 जो है वो 5 से कितना ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, और 6 जो है वो 5 से कितना ग्रेटर है, 1 ही ग्रेटर है। तो 4 का पार्टनर कौन था, 1, और 1 का पार्टनर कौन था, 4 था, ये आपको मालूम है, वेरी गुड। इसको प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 54। आपको विदाउट लर्निंग ये पता चल गया 9 6 54 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 8 8 8 8 5 से कितना बड़ा है 3, 8 5 से कितना बड़ा है 3, 3 का पार्टनर 2, 2 का पार्टनर 3 का पार्टनर 2, इसको प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 64। नेक्स्ट 7 6, 7 कितना बड़ा है 5 से 2, और 6 कितना बड़ा है 1, 2 का पार्टनर 3, 1 का पार्टनर 4,
4, इसको प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 3, 3 4 जा 12, ये आ गया 42। देखा कितना इजीली आपने डोजिंग टेबल्स कर लिए विदाउट लर्निंग द टेबल्स। जिन व्यूअर्स को 5 से ऊपर के टेबल्स को मल्टीप्लाई, 5 के ऊपर के टेबल्स में डोजिंग टेबल्स में प्रॉब्लम आती है, अगर वो ये सिंपल सा मेथड कर लेंगे उन्हें कभी भी लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।